के चित वृत्ति सब जान के भक्तन के चित की वृत्ति सब कहाते अति आतुर जो धाई ने के कारण श्री यमुने प्रथम आई ने के कारण श्री यमुने प्रथम करोड़ों की संख्या में जो प्रयागराज के कुंभ में देश से विदेश से लोग वहां पहुंचकर गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पहुंचने वाले हैं, क्या उनकी आत्माओं को ठेस नहीं लगेगी? जब ये कहा जाएगा कि यहाँ जिसके नाम से बुलाया गया है उनका तो अस्तित्व है नहीं। 333 करोड़ लीटर मल मूत्र का पानी दिल्ली वासियों का जमुना जी में प्रत्येक दिन छोड़ा जा रहा है। हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि लाला जब मैं प्राण छोड़ूं उस समय दो बूंद जल ब्रज से ला करके जमुना जी का हमारे मुंह में डाल देना। तो कौन सा जल उनके मुंह में डालें? ये टट्टी का पानी, इससे उनकी क्या गति होगी और हमारी क्या गति होगी? ये पूरी तरह धार्मिक अपराध है। यमुना मैया में हम अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। वृंदावन के बहुत मंदिरों के ठाकुर यमुना के जल से स्नान करते हैं और वहाँ रसोई बनती है। ये पूरी तरह अपराध है क्योंकि यमुना केवल एक नदी नहीं, वह ब्रज की एक संस्कृति है, ब्रज की सभ्यता है। वृंदावन की सैकड़ों कथावाचक इस आंदोलन में शामिल है और उनके शिष्यगण भी इसमें शामिल हों तो हम तो पूज्य बाबा श्री के चरणों में यही प्रार्थना करने सब कथावाचक लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं कि महाराजा श्री जिस तरफ चल रहे हैं उनके प्रत्येक कदम के पीछे हम लोग होंगे, हम लोगों का सिर होगा उनके चरणों के नीचे। जहाँ महाराज श्री चलेंगे वहाँ सारे वृंदावन के लोग तो होंगे ही होंगे पर प्रत्येक कथावाचक के साथ लाखों लाखों लोग भी होंगे। मैं आज बाबा के सन्मुख इस पूरे मंच की ओर से बाबा को आश्वासन देता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है 1 मार्च को 5 लाख लोग जब जाएंगे तो वृंदावन से कम 1 लाख लोग जाएंगे यमुना जी को मुक्त कराने के लिए, ऐसा मुझे। उसमें आप सब भागवत वक्ताओं के सहयोग की मुझे नहीं यमुना जी को आवश्यकता पड़ेगी। अथनी कुंड के नीचे 140 किलोमीटर तक कहीं जल नहीं, बालू ही बालू है। नक्शा टांगा गया है, आपको पता होगा, देख लेंगे। 140 किलोमीटर तक कहीं यमुना जी का जल नहीं है। जितने भी मूवी मंत्रीगण है सारे, जितने टीवी चैनल वाली है, उनको हम मांग लेंगे और पूरी दिल्ली को किस तरह से काम का बंद कर देंगे, जाम कर देंगे। और यमुना मैया को अपना मुंह दिखाना चाहते हैं तो बस सभी तैयार हो जाइए। और जैसे कि आप जानते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण ने उस काले नाग को नाचने के लिए फड़फड़ नृत्य नहीं किया तब तक नाग बाहर नहीं निकला। उसी प्रकार हमको भी सरकार के फड़फड़ नृत्य करना पड़ेगा तभी वो बाहर निकल के आएंगे, अंदर निकल के नहीं आएंगे। ये पूरी दुनिया को शुद्ध करती है और आज रोती हुई माँ अपने बच्चे से पूछ रही है कि मैंने तेरा पालन पोषण किया, क्या तुम यमुना के लिए कुछ कर नहीं सकते? मैं हाथ जोड़कर आप सबसे इतनी प्रार्थना करता हूँ, जागो। ये बात भी आस्था संस्कार के माध्यम से बता दें कि वृंदावन में जो जल आ रहा है वह यमुनोत्री का जल नहीं, दिल्ली की फैक्ट्रियों का कचरा और दिल्ली के लोगों का मलमूत्र और बाथरूम का पानी है। रमेश बाबा और सब संत समाज, सारा वैष्णव समाज एकजुट होकर के, हम सब एकजुट होकर के 1 मार्च की यात्रा है। जितने भी लोग हैं जो यमुना जी में श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये नहीं मालूम कि ये जो यमुना जी है ये असली यमुना का जल नहीं है, तो वो आवाज उठाए कैसे? सबसे पहले उनको ये बताना आवश्यक है कि यमुना जी का जल कैसे रोक दिया गया है। वृंदावन के 7 ठाकुर रथ में बैठ कर जाएंगे, ठाकुर अपनी ठकुरानी को लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। घोड़ी पर बैठ जाए तो बिना दुल्हन के नहीं लौटता, तो दूल्हे की बारात में 1 मार्च को चलना है, दुल्हन यमुना जी को दिल्ली से लेके आना है। 2 लाख किसान इस मथुरा के ब्रज में अपने प्राणों की बलिदान दे देंगे लेकिन हाईवे से नहीं। मार्ग के अधिकतर आचार्य
संत शिरोमणि श्री रमेश बाबा के इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। हमारे पुष्टिमार्गीय वैष्णव गण भी इस यात्रा में 1 मार्च से जो दिल्ली को प्रस्थान करेंगे उसमें उपस्थित होंगे। संपूर्ण पुष्टिमार्ग का सहयोग हमेशा के लिए बना रहेगा बाबा महाराज के साथ। तो भैया आप आना चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं आना, कम्स फ्रॉम हार्ट। अपने लड़के की बारात में 500 लोग इकट्ठा कर लेते हो, आज ठाकुर जी की बारात आए, अगर 5 लाख इकट्ठे नहीं हो पाए तो इस बारात की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं महाराज जी को वचन देता हूँ कि 1 मार्च नहीं, अब से जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी ये बालक उनके चरणों के साथ रहेगा। इस शपथ के यमुना जी का स्वरूप क्या है, एक बार राधा रानी और श्री कृष्ण विहार कर रहे थे तो दोनों के क्रीड़ाओं में जो श्रम बिंदु हुए प्रकट हुए तो सखियों ने कहा शरत कुमार संहिता में युवोर भक्ति संजाता केली श्रम कणा शुभा अतः संजायते नूनम तटजा का पिचोत्तमा सर्वै सखई गणै पेयम त्वं प्रसीद कुरुषु च इदमेव परम पुण्यम युवोर केलियम जलम। हे राधे आपके विहार का जो दिव्य जल है श्रम कण के रूप में इसको आप नदी बना दो और हम लोगों के लिए यही अमृत है, यही पेय है, यही जीवन है। ये सुनकर के श्री जी ने यमुना गुरु धारण किया। यमुना जी किनारे आज भी चले जाओ तो सब कहते राधा रानी जा रहे हैं। यमुना जी का नाम राधा रानी है।